नमस्कार। आज का अपना कक्षा का विषय है आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं, किस तरह से बनता है, उसके उदाहरण और आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके सामान्य क्या गुण होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आयनिक यौगिक जो है, आयनिक जो बंध जो होता है, वो आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। आयनिक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, धातु जो है, धातु किसे कहते हैं, धातु उसे कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाए, उसे धातु कहते हैं। यानी धात्विक गुण ये गुण वो गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह से अधातु किसे कहते हैं, धातु के अलावा जो तत्व हैं वो अधातु हैं, और अधातु की विशेषता क्या होती है कि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होने का गुण रखते हैं। अधातु जो होती है उनका अष्टक पूर्ण करने के लिए, उनका अष्टक अपूर्ण होता है और उसको पूर्ण करने के लिए उसको एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है जिसको वो ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि इनकी विद्युत ऋणता जो है वो अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो धातु है वो यदि धातु के धनायन में परिवर्तित हो रहा है तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन विभव। उस ऊर्जा को कहते हैं आयनन विभव। तो धातु जो है वो ऐसी धातु होनी चाहिए जिसका आयनन विभव कम हो ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। अधातु है तो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, विद्युत ऋणता अधिक होती है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है और आकर्षित करके और ऋणायन में परिवर्तित हो जाती है। तो अब देखिएगा आयनिक बंध धातु और अधातु के मध्य में कैसे बांध दी। मान लीजिए ये धातु है तो ये धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा इसने और त्याग करके ये धनायन में बदल गई। जब किसी भी परमाणु के परमाणु उदासीन है और उसके बाह्यतम कक्षक में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका वो धनायन में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है कि परमाणु मूलतः उदासीन होता है, उदासीन वो तब होता है जब उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, यानी कि उसके न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या और बाह्यतम ये कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो दोनों के आवेशों की संख्या बराबर है इसलिए वो उदासीन होता है। और यदि अब इसके बाह्यतम कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो ये ऋणावेश एक कम हो गया इसलिए ये धनावेश एक उस पर ज़्यादा रह जाता है इसलिए वो धनायन में बदल जाता है। जो इलेक्ट्रॉन धातु ने त्यागा है उस इलेक्ट्रॉन को अधातु ग्रहण कर लेती है। अब अधातु का परमाणु है वो परमाणु अवस्था में वह उदासीन है, उस जब वो उदासीन है उस वक्त उसके उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है इसलिए वो उदासीन है। और धातु द्वारा त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे ही अधातु ग्रहण करती है तो एक ऋणावेश उस पर अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, एक करती है, दो करती है, तीन करती है, जितने भी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर एक ऋणावेश ज़्यादा हो जाता है। मीन्स इसका मतलब ये कि धातु एनायन में बदल जाती है, धातु जो है वो ऋणायन में बदल जाती है।
और जब ये धनायन और ऋणायन बन जाते हैं तो इन दोनों के मध्य स्थिर विद्युत की आकर्षण बल लगता है, क्योंकि दोनों प्लस माइनस आवेश हो गए, तो आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही आयंस में बदल जाते हैं, आयंस में बदलने के कारण इनके मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्थिर विद्युत की आकर्षण बल लगता है और उसके कारण ये एक दूसरे से बंध जाते हैं, और वो इस स्थिर विद्युत की आकर्षण बल है वही आयनिक बंध कहलाता है। तो यहाँ पर जो आयनिक बंध बनता है वो आयनिक बंध दो विपरीत आवेश के आयंस के मध्य में बन रहा है, इसलिए इसको आयनिक बंध कहते हैं। और ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए M, जैसे ये M प्लस X माइनस, लेकिन ये दोनों आवेश बराबर होते हैं इसलिए दोनों को नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इसको लिख दिया अपन ने MX। तो ये परमाणु थे, धातु और अधातु के परमाणु थे, और परमाणुओं से बने आयन कैटायन और एनायन, आयनों के मध्य लगा स्थिर विद्युत की आकर्षण बल, और उससे बना, उससे जो बंध बना आयनिक बंध बना, आयनिक बंध बनने के बाद में अणु बना। ये जो अणु बना है ये अणु क्या है, इस अणु को क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। ये आयनिक बंध के कारण अणु बना है, ये कहलाता है आयनिक यौगिक। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर दो फैक्टर काम कर रहे थे, एक आयनन विभव जो धातु का है, एक विद्युत ऋणता, या अपने ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। आयनन विभव धातु का कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अधातु इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते। अब जब जैसे ही धातु से अधातु की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, आयंस बन गए, आयंस के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और अणु बन गया, उस वो अणु जो है वो है आयनिक यौगिक। अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, ये इसके एग्जाम्पल है। NaCl, इसमें Na धातु है, Cl क्लोराइड अधातु है, Na सोडियम, परमाणु क्रमांक होता है 11, 11 परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं, पहले कक्षक में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूर्ण भरा हुआ है, ये भी पूर्ण भरा हुआ, और तीसरे कक्षक में होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो बाह्यतम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब है दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसके बाह्यतम कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बाहर वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहर वाले कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिएगा, सोडियम का यदि अष्टक पूर्ण करने हो तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो संभव नहीं है, लेकिन क्लोरीन का अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम का अष्टक पूर्ण करने की दो कंडीशन बनती है, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे, ये धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता ही नहीं है, त्यागता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे तो 280 हो जाएगा, बाह्यतम कक्षक खत्म, तो ये पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, तो इसका स्थायित्व अधिक हो जाएगा। तो इस स्थिति में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल जाता है, जैसे ये धनायन में बदला 28 इसका अष्टक पूर्ण हो गया, स्थायित्व आ गया। क्लोरीन 287 है, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करते ही क्लोराइड क्लोरीन Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, और Cl- में कन्वर्ट होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखिए क्या हो जाएगा, 288, इसका बाह्यतम कक्षक का अष्टक पूर्ण, इसका बाह्यतम कक्षक का अष्टक पूर्ण, और दोनों आयंस बन गए कैटायन और एनायन।
ये केटाइन और एनाइन दोनों विपरीत आवेशित हैं, इसलिए इनके मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा और स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगने बल के कारण जो बंध बनता है वो आयनिक बंध हो गया। और इसको अपन कैसे लिखेंगे, Na प्लस Cl माइनस लिखा जाता है। एक्चुअल में कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए Na प्लस Cl माइनस, लेकिन ये दोनों प्लस और माइनस आवेश बराबर संख्या में होते हैं इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं NaCl। ठीक है, तो ये एक इसका उदाहरण है कि भैया आयनिक बंध जो है वो किस तरह बन रहा है, NaCl में आयनिक बंध कैसे बनता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो परमाणु का कैसे होता है, परमाणु से फिर आयन बनता है तो आयन में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, और उनके आयन्स बनने के बाद में किस तरह से इसके अंदर जो है वो आयनिक यौगिक बनता है। अब NaCl जो अणु बना है इसको क्या कहेंगे अपन, आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक होगा। अब देखिएगा जो आयनिक यौगिक हैं उनके क्या गुण होते हैं, आयनिक यौगिकों के गुण देखेंगे अपन, आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं। सबसे पहले आयनिक यौगिक जो होते हैं वो साधारणतया ठोस होते हैं, और ठोस का मतलब क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं, क्रिस्टल बनते हैं आयनिक यौगिकों के, अमूमन क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं, कुछ द्रव भी होते हैं कुछ गैस भी होते हैं लेकिन अधिकतम ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटल साथ में होता है, धातु साथ में होता है जो उसका आयन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसका गुण है ध्रुवीय प्रकृति, पोलर नेचर होती है इसकी। ध्रुवीय प्रकृति कैसे होती है देखिएगा, अभी अपन ने देखा था NaCl कैसे बन रहा है, तो ध्रुवीय प्रकृति इसलिए होती है कि जो आयनिक बंध बनता है वो दो विपरीत आवेशित परमाणु आयन्स के मध्य में बन रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ चार्ज्ड हैं आयन्स, धनायन और ऋणायन वहाँ उपस्थित है, इसका मतलब पोल तो पहले से ही बने हुए हैं वहाँ पे, इसलिए। और ये जो Na प्लस और जैसे Na प्लस और Cl माइनस है इसी फॉर्म में रहता है, ये ठोस अवस्था में आवेश बराबर हैं इसलिए उनको नहीं लिख रहे हैं, इसलिए प्रकृति ध्रुवीय इसलिए होती है कि दो आयनों के मध्य में ये बंध बना हुआ होता है, इसलिए इन यौगिकों की प्रकृति ध्रुवीय होती है, केटाइन पर धनावेश होता है और एनाइन पर ऋणावेश होता है, इसलिए इसके यौगिक की प्रकृति भी ध्रुवीय होती है। तीसरा है जल में विलय होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो सारे जल में सामान्य परिस्थिति में विलय होंगे, सामान्य परिस्थिति में नहीं घुल रहे हैं तो उनको हल्का गर्म करने पर घुल जाएंगे, क्योंकि जल भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय विलायकों में विलय, सेम डिजोल्व सेम, रसायन शास्त्र में कहावत है समान समान को बोलता है, तो यदि कोई यौगिक ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और यदि कोई यौगिक अध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। आयनिक यौगिक की प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति होती है, इसलिए आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, विद्युत के प्रति सुचालक होते हैं, आयनिक यौगिक विद्युत के प्रति सुचालक होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, विलयन की अवस्था में। यदि आयनिक यौगिकों का विलयन बना हुआ है, ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, भैया कोई क्रिस्टल जैसे मान लीजिए कोई ठोस आयनिक यौगिक है और उसको यदि आप उसमें धारा प्रवाह करना चाहो नहीं होगी, विलयन की प्रकृति में आयनिक यौगिक का विलयन है तो वो विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि उस स्थिति में आयनिक यौगिक आयन्स में टूट जाता है, आयन्स में टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आसानी से होता है और धारा प्रवाह होता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ताप के भी सुचालक होते हैं आयनिक यौगिक। रासायनिक अभिक्रिया,
आयनिक यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से क्यों होती है? रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। विलयन अवस्था में ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठोस अवस्था में नहीं होती। और जब रासायनिक जब आयनिक यौगिकों का विलयन बनाएंगे तो ये आयनिक अवस्था में होंगे, और आयनिक अवस्था में है तो रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होगी। इसी तरह आयनिक अभिक्रिया में इसमें बहुत अधिक तेज गति से होगी। रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसी तरह से आयनिक अभिक्रिया भी इनमें तीव्र गति से होगी। ठीक है, तो ये जो है, और जो आयनिक बंध जो है वो सामान्यतया जितने भी अकार्बनिक यौगिक हैं उनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। आयनिक बंध वाले यौगिक जो हैं वो आयनिक बंध वाले जो यौगिक होंगे वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, वो यौगिक जिनमें कार्बन की प्रतिशतता शून्य या नहीं के बराबर होती है। तो ये आज अपन ने अध्ययन किया था आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं, किस किस के मध्य में बनता है, कैसे बनता है, उसका उदाहरण, और उसके यौगिकों की आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण जो है उनमें क्या है वो अपन ने देखा, उनका सामान्य गुण। धन्यवाद।